परमं सुखम रूपम दही लेंगे यशो दही दिशो दही ओम ओख दे प्रतिमोद भंग नंद के गानंद हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने रात गुजारी कई दिन गुजारे अपने जीवन का एक नया पक्ष यहाँ से उज्जवल हुआ। भगवान जब कृष्ण को मार कंस को मार के यहाँ आए और आचार्य सांदीपनि ने जो उनको दीक्षा दी शिक्षा दी और यही कारण रहा कि भगवान ने बाद का जीवन उनका एक अलग परिवर्तित रूप में आया सामने। भगवान के प्रत्येक कदम पे उज्जैन की छाप है सांदीपनि आश्रम की छाप है यहाँ तक कि जब युद्ध के कर्मक्षेत्र में जाने के बाद गीता का जो उनके मुँह से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई वो सार भी अगर कहीं से निकला तो उज्जैन से निकला है। उसी प्रकार से जैसे द्वारका का महत्व है मथुरा का महत्व है उसी प्रकार से उज्जैन का भी महत्व है। मैं आज के इस अवसर पर चूँकि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान का जन्म हुआ है यहाँ शासकीय मान्यता से आज के दिन जन्म होता है हम सब भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में डूबे हुए हैं और भगवान कृष्ण का काल और अभी आज कोरोना के काल के कारण से ज़्यादा याद आता है। ये भी कठिनाई भरा हुआ काल है और भगवान का वो भी काली रात्रि थी जब भगवान का जन्म हुआ तमाम कष्टों से तमाम परेशानियों से तमाम मुसीबतों से भगवान ने जन्म से लेकर उनका शरीर छोड़ने तक जिस प्रकार से जीवन जी के सिखाया है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज के युग में भी वही हमको संबल देता है हमारी संस्कृति हमारा धर्म हमारा अध्यात्म हमारा इतिहास हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और विश्व में मनुष्यता की स्थापना होगी। श्री कृष्ण वंदे जगतम गुरु। आप हमेशा हर साल आते हैं पूजा करते हैं क्या मन्नत इस बार पूरी हुई है पूरे? देखिए भगवान की दया है ये बात अपनी सही कही कि परमात्मा की कृपा से जब से यहाँ आने आया हूँ उत्तरोत्तर मेरे जीवन में भी बदलाव आया है। जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तब से आ रहा हूँ उसके बाद टूरिज्म मध्य और आज वर्तमान में मंत्री बन के यहाँ आया हूँ परमात्मा की कृपा बनी रहे यही इच्छा।